दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो बर्फ से ढकी हुई एक शानदार जगह है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अंटार्कटिका में भी एक समय पर दुनिया में मौजूद बाकी सभी जगहों की तरह ही वेजिटेशन थी और वहां आज की कार से भी बड़े पक्षी रहा करते थे, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, पर जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको मेरी बात पर विश्वास हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को और जानते हैं अंटार्कटिका में मिली कुछ ऐसी ही विचित्र चीजों के बारे में। नंबर 10, द अंटार्कटिका फॉसिल रेन फॉरेस्ट। अंटार्कटिका में आज जहां बर्फ जमी हुई है, वो जगह एक समय पर इटली की तरह ही हार्ड हुआ करती थी। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बात को साबित भी किया है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक फॉसिल से भरा रेन फॉरेस्ट मौजूद है। आज के समय की बात करें तो आज अंटार्कटिका का टेम्परेचर -61 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, लेकिन वहीं आज से 90 मिलियन साल पहले वहां का टेम्परेचर करीब 100 फ़ारेनहाइट तक हुआ करता था। जोहान पी क्लेग्स नाम के एक फेमस मरीन जियोलॉजिस्ट ने यहां से 90 मिलियन साल पहले यानी उस समय के फॉसिल्स को खोजा है जब इस कॉन्टिनेंट पर वेजिटेशन मौजूद था। और इसके बारे में उनका कहना यह भी है कि अंटार्कटिका एक समय पर रिच बायोडायवर्सिटी वाले जीवों का घर हुआ करता था, जैसे कि डायनासोर्स। इसके साथ ही मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका के नीचे से क्रिटेशियस पीरियड के पेड़ों के फॉसिल्स को भी खोजा है और कहा है कि भविष्य में कभी दोबारा ये जगह वेजिटेशन से भर सकती है। नंबर 9, यूएफओ ओवर द साउथ पोल। ये बात साल 2012 की है जब एलियंस को अंटार्कटिका के ऊपर घूमता हुआ देखा गया था। आपको बता दें कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है, जिसे न्योमेयर स्टेशन 3 के ऊपर देखा गया था। दरअसल ये ऑब्जेक्ट पूरे वीडियो में ब्लर दिख रहा है, लेकिन ये जरूर साफ समझ आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट आसमान से आता है, उस न्योमेयर स्टेशन 3 के ऊपर चक्कर लगाता है और वापस चला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका शेप देखने में किसी वेदर बलून की तरह था, लेकिन असल में यह कोई वेदर बलून नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर बिल्कुल भी बलून की तरह नहीं था, जिसके चलते साइंटिस्ट तभी से इस पर रिसर्च में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। नंबर 8, अंटार्कटिक जेलीज। दोस्तों, जब साल 2018 और 2019 में ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स का एक ग्रुप अंटार्कटिका के गहरे पानी की जांच कर रहा था, तब उस ग्रुप के एक मेंबर ने 7 मिनट लंबा एक वीडियो शूट किया था। उस वीडियो में कई तरह के सी क्रीचर्स दिख रहे थे और एक अजीब तरह की अल्गे भी। हालांकि इसके अलावा जो वहां सबसे ज्यादा हैरान भरी चीज थी, वो थी एक तरह की जेलीफिश। ये जेलीफिश कुछ अलग ही थी, जिसे आज सी एंजल के नाम से जाना जाता है। आपको जानकारी दे दें कि इसके दो छोटे छोटे पंख भी थे। इसके साथ ही इसकी बॉडी के अंदर कुछ ऑरेंज कलर की चीज ग्लो कर रही थी, और तो और इसके पेट में खाया हुआ खाना भी आप अपनी आंखों से देख सकते थे। और इसी के चलते साइंटिस्ट इस जेलीफिश को अब तक सबसे अजीब सी क्रीचर मानते हैं। नंबर 7, मिस्टीरियस केव। दोस्तों, साल 2007 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका के एक रिमोट आइलैंड पर गूगल मैप की मदद से एक अजीब गड्ढे को खोजा था, जो देखने में एक केव की तरह था। असल में इसे ग्रीनविच आइलैंड पर खोजा गया था, जो सदर्न अंटार्कटिका में मौजूद एक रिमोट आइलैंड है। और इसके बारे में कुछ लोगों का कहना था कि ये हॉलो यानी कि खोखले अर्थ का एंट्रेंस, तो कुछ इसे मिलिट्री कवर अप बता रहे थे, तो वहीं कुछ तो इसे एलियन से रिलेटेड बता रहे थे। पर इस केव के बारे में जो सबसे ज्यादा अजीब बात थी, वो ये थी कि ये केव गूगल मैप की मदद से खोजे जाने के अगले 6 महीनों में ऐसी गायब हुई कि किसी को आज तक इसके बारे में पता नहीं है। और तो और, इस गड्ढे के वहां होने के भी आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर जैसे ही इस गड्ढे के बारे में लोगों को पता चला, तो ये बंद क्यों हो गया? ये बात आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 6, सब ग्लेशियल लेक। लेक स्नो ईगल एक नई खोजी गई सब ग्लेशियल लेक है, जो कि लेक अंटार्कटिका के नीचे मौजूद है। आप में से ज्यादातर लोगों को तो सब ग्लेशियल लेक्स के बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें सब ग्लेशियल लेक्स के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि सब ग्लेशियल लेक वो लेक होती है जो बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबी हुई या छिपी हुई होती है, और लेक स्नो ईगल एक ऐसी ही लेक है। ये लेक करीब 26 मील तक लंबी है, जो इस प्रकार की अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट पर खोजी गई सबसे बड़ी लेक है, और ये ईस्ट अंटार्कटिका में एक कैनियन के नीचे दबी हुई है। इस लेक को साधारण तौर पर देखना लगभग असंभव है, पर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आगे सब संभव है, जिसके चलते इसे खोजा गया है। और इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है, वो ये है कि ये लेक आज से 34 मिलियन साल पुरानी है।
नंबर 5, फ्रेश प्लास्टिक। शायद आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में अंटार्कटिका की फ्रेश बर्फ से माइक्रोप्लास्टिक्स को खोजा है। दूसरे शब्दों में बताया जाए तो ये माइक्रोप्लास्टिक्स आसमान से आने वाले स्नो के साथ अंटार्कटिका में गिर रही है। दरअसल इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद प्लास्टिक से फैला हुआ पॉल्यूशन है, जो वाटर साइकिल के दौरान आसमान में जाकर अंटार्कटिका जैसी बर्फीली जगहों पर गिर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के साइंटिस्ट ने 19 अलग अलग जगहों से स्नो के सैंपल्स लिए हैं, जिनमें से रिसर्चर्स को वही प्लास्टिक मिला है जो वाटर बॉटल्स और कपड़ों को बनाने में उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी पाया है कि 1 लीटर में करीब 29 प्लास्टिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, और ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। नंबर 4, मॉन्स्ट्रस बर्ड्स। आज से करीब 50 मिलियन साल पहले एक बर्ड हुआ करती थी जो देखने में बिल्कुल अल्बेट्रॉस की तरह नजर आती थी, और जिसका मुंह कुछ हैक्शो की तरह नुकीले दांतों से भरा हुआ होता था, जिसके करीब 21 फीट लंबे विंग्स होते थे और ये किसी नॉर्मल कार से भी ज्यादा बड़ा था। ये बर्ड एक प्राचीन एवियन एनिमल्स की फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसे पेलागोर्निथ नाम से जाना जाता था। दरअसल इसका पता हाल ही में लगा है जब आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से इस बर्ड के फॉसिल्स को खोजा है, और इसको लेकर साइंटिस्ट का कहना है कि 65 मिलियन साल पहले यानी डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद इस दुनिया पर ड्रैगन्स की तरह बड़े बड़े पक्षियों ने राज किया है। अगर ऐसा है तो ये थ्योरी और ये डिस्कवरी कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। नंबर 3, द रैकेज ऑफ एंड्योरेंस। ये खोज अर्नेस्ट शैकल्टन के द्वारा की गई थी। उन्होंने वेडल सी से करीब 2 मील की दूरी पर पानी के नीचे एंड्योरेंस को खोजा था, जो 10,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में साल 1915 में डूब गई थी। इसके बारे में शैकल्टन और उनके क्रू मेंबर्स ने बताया था कि जब ये जहाज डूबा था, तब इस जहाज में करीब 27 लोग मौजूद थे। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि ये जहाज एक बहुत बड़े मिशन पर था, जिस दौरान इसे हजारों किलोमीटर की दूरी को तय करना था, लेकिन जब ये जहाज वापस लौट रहा था, तब शायद ये किसी आइसबर्ग से टकरा गया और पानी में डूब गया, जो आज अंटार्कटिका में मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा हुआ है, जिसे हाल ही में अर्नेस्ट शैकल्टन ने खोजा है, और ये वाकई एक बहुत बड़ी खोज है। नंबर 2, अननोन लाइफ। दोस्तों, आपने अब तक कई सारे अलग अलग नए जीवों के जीवन के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आप ये जानकर या कहीं देखकर हैरान रह जाएंगे कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में नया जीवन पैदा हो सकता है, और नई जिंदगियां भी बर्फ के कई मीटर नीचे फल फूल सकती है। आपको बता दें कि जब भी कोई नए जीवन से संबंध रखने वाली खोज सबके सामने आती है, तो अंटार्कटिका की ये खोज सबसे ऊपर आती है, क्योंकि ये खोज इतनी ज्यादा रेयर जो है। दरअसल इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे खोजने के बाद खुद वैज्ञानिक भी हैरान रह गए थे कि आखिर हजारों सालों से बर्फ की शेल्फ के नीचे लाखों की मात्रा में जीवन कैसे पनप रहा है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और जर्मनी के रिसर्चर्स ने अंटार्कटिका में एक्सट्रॉम आइस शेल्फ के नीचे नए जीवन को खोजा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में बर्फ के अंदर कई मीटर नीचे जानवर भी पल रहे हैं, जो करीब करीब 190 मीटर की गहराई में हैं, और ये जो जीवन के सबूत मिले हैं वो करीब 6,000 साल पुराने हैं। नंबर 1, शिप इन द आइस। दोस्तों, अंटार्कटिका में हाल ही में एक बहुत ही मिस्टीरियस डिस्कवरी की गई है। दरअसल अंटार्कटिका में सैटेलाइट की मदद से एक विशाल जहाज खोजा गया है जो बर्फ में जमा हुआ है। शायद ही आपको मालूम हो कि ये शिप करीब 400 फीट यानी कि 121 मीटर लंबा है, जो अंटार्कटिका के तट से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर खोजा गया है। आपको बता दें कि जब अथॉरिटीज को इस बारे में जानकारी लगी, तो उन्होंने इस जगह की सारी हिस्ट्री खोल ली, लेकिन इस शिप के बारे में किसी को कुछ पता नहीं लगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम अपनी ओर से इस शिप के बारे में पता करने के सारे प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब तक हम इस शिप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं कि आखिर ये शिप कैसे इस जगह तक आया और बर्फ में फंस गया। ये जहाज कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, बल्कि ये एक पार्टी शिप था जिसमें कई सारे चैम्बर्स भी मौजूद थे। लेकिन इसके खोजे जाने के बाद इसके ऊपर एक थ्योरी भी दी जा रही है कि ये एक घोस्ट शिप है, जिसे जानबूझकर समुद्री किनारे पर छोड़ा गया था और ये अंटार्कटिका में आकर अटक गया है। पर क्या ये सच है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जिस कारण से ये जहाज आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।